अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिजिक्स लेक्चर ऑफ क्लास 10th। टुडे आवर टॉपिक इज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स, किसी भी मटेरियल से बने हुए कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, उनकी जब क्लुइन होती है और वो फिर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ, तो करंट क्रिएट होता है। तो करंट बेसिकली फ्लो होता है ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी वजह से जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की वो इजीली मूव हो जाती है। बेसिकली स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो करंट को फ्लो करने में ऑपोजिट रोल प्ले करती है। मींस करंट को फ्लो करने में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करती है, रुकावट बनती है, करंट को फ्लो नहीं होने देती। मींस के करंट के ऑपोजिट रिएक्शन में अपना बिहेवियर जो वो शो करती है। सो बेसिकली रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर में लो होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर पाते हैं। बट जो रेजिस्टेंस है इंसुलेटर में बहुत हाई होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर पाते। तो रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो करंट को फ्लो करने में ऑपोजिट बिहेव करती है। करंट लेट सपोज अगर फॉरवर्ड मूव कर रहा है, तो उसके ऑपोजिट रिएक्शन में रेजिस्टेंस अपना रोल प्ले करेगी। मींस के ये रिएक्शन फोर्स है, आप इसको इस तरह ले सकते हो किसी भी कंडक्टर में, कि करंट को फ्लो करने में किसी भी डायरेक्शन में ऑपोजिशन का रोल प्ले करती है। रेजिस्टर्स को बेसिकली कंबाइन किया गया है दो कैटेगरीज में। नंबर वन इज सीरीज कम्बिनेशन एंड दी अदर इज पैरेलल कम्बिनेशन। नाउ लेट स्टार्ट सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। सीरीज़ में रेजिस्टर्स को एंड टू एंड कनेक्ट किया जाता है, मींस एक दूसरे के पीछे लाइन में कनेक्ट किया जाता है और रेजिस्टर्स की फिर एक लाइन में एक सीरीज बन जाती है। बेसिकली जब रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, तो इसके लिए दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। उन दो पॉइंट्स में दो पैरामीटर्स हैं, नंबर वन इज़ करंट एंड दी अदर इज़ वोल्टेज। अब यहाँ पे जैसे डायग्राम है, इसमें तीन रेजिस्टर्स जो हैं वो सीरीज़ में कनेक्ट किए गए हैं, R1, R2, R3, और इसको इन रेजिस्टर्स को फिर पावर सप्लाई मीन्स के बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। बैटरी से आने वाला टोटल पोटेंशियल V है और जो टोटल करंट आ रहा है वो कैपिटल I है। तो रेजिस्टर्स तो सीरीज़ में हैं और जो टोटल पोटेंशियल देंगे हम इस सर्किट को, वो रेजिस्टर्स में डिवाइड हो जाएगा। मींस के जितने भी रेजिस्टेंस होंगे, डिपेंड करता है 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। तो जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उसमें जो वोल्टेज आएगा थ्रू द बैटरी वो डिवाइड हो जाएगा। और करंट के केस में हमें ये हिंट रखनी पड़ेगी कि करंट का पाथ एक ही है। अब करंट को एज आ आप रिवर कंसिडर कर लें। अब रिवर में जितने पाथ होंगे, वाटर ऑटोमेटिकली उन पाथ्स पे जो वो फ्लो करेगा, किसी एक पाथ को फॉलो नहीं करेगा। तो अब जैसे सीरीज कम्बिनेशन में एक ही पाथ है, क्योंकि रेजिस्टर्स सीरीज में एडजस्ट हैं, तो सीरीज कम्बिनेशन में पाथ एक ही होगा करंट का। तो अगर करंट का पाथ एक है तो वो एक ही पाथ में फ्लो करेगा। मींस के रेजिस्टेंस 1 के, रेजिस्टेंस R2 के, रेजिस्टेंस R3 के, अप टू सो मैनी रेजिस्टेंस, जितने भी रेजिस्टेंस आप एडजस्ट करते हो सीरीज में, उन सब के सब रेजिस्टेंस में क्या होगा कि करंट का एक ही पाथ होगा। और करंट को एज अ रिवर वाटर आप ले लो, और यहाँ पे जो है फिर एक ही पाथ होगा और एक ही पाथ में करंट जो है वो फ्लो होगा। जबकि जो वोल्टेज है वो अक्रॉस R1, अक्रॉस R2, अक्रॉस R3 सब पे डिवाइड हो जाएगा। आप अगर वोल्ट मीटर एडजस्ट करते हो अक्रॉस R1 और वहाँ पे आप रीडिंग चेक करते हो, तो वोल्टेज की वैल्यू जो है वो कुछ और होगी। जब आप वोल्ट मीटर एडजस्ट करते हो R2 के अक्रॉस और R3 के अक्रॉस, तो वोल्टेज जो है वो डिफरेंट होगी। बट इन सब रेजिस्टेंस का अगर उनकी वोल्टेज का सम अप किया जाए, तो वो टोटल वोल्टेज वही बनेगी जितनी वोल्टेज ये बैटरी से सप्लाई होगी। सो सीरीज़ में कनेक्टेड जितने भी रेजिस्टेंस हैं सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा अक्रॉस R1, अक्रॉस R2 एंड अक्रॉस R3। जबकि जो टोटल पोटेंशियल है वो वही होगा जितना बैटरी सप्लाई करेगी। सो द टोटल पोटेंशियल कैपिटल V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहाँ पे V1, V2, V3 पोटेंशियल हैं अक्रॉस R1 के, अक्रॉस R2 के, अक्रॉस R3। यानी कि आप जितने भी रेजिस्टेंस लगाते हो उनके अक्रॉस जितने भी वोल्टेज होगी, डैट वोल्टेज इक्वल्स टू दी टोटल पोटेंशियल डैट इज़ प्रोवाइडेड द बैटरी इन दिस सर्किट अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, डैट इज़ V इक्वल्स टू IR। तो यहाँ पे हमारे पास तीन रेजिस्टेंस हैं,
उन तीनों के लिए ओम्स लॉ यहाँ पे अप्लाई होगा, तो वी इक्वल्स टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री लग जाएगा। अब यहाँ पे जो इक्वेशन थी 14.6, ठीक है, अब यहाँ पे जो v है उसकी जगह हमने रिप्लेस कर दिया आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो v1 था इस वजह से r1 लग गया, v2 था इस वजह से r2 लग गया, और v3 पोटेंशियल थी अक्रॉस r3 के, इस वजह से r3 यहाँ पे पुट कर लिया। बेसिकली यहाँ पे जो इक्वेशन बनी है v इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस v3, यहाँ पे v जो पोटेंशियल है यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया ओम्स लॉ, डेट इज़ v इक्वल्स टू आई आर। तो अब यहाँ पे I हमारे पास कॉमन है तीनों रेजिस्टेंस में, तो हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस R3 यहाँ पे हम ब्रैकेट में क्लोज करेंगे और I को हम कॉमन ले लेंगे। तो I यहाँ पे कॉमन इस वजह से क्योंकि I जो करंट है वो सेम है, क्योंकि उसके पास एक ही पाथ है मूव करने के लिए इस सर्किट में। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास जो R1, R2, R3 हमारे पास जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनको हम रिप्लेस कर देंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ, मींस के R, E के साथ। बेसिकली R, E का सेम इफेक्ट है जब आप कंबाइन करते हो इंडिविजुअली रेजिस्टर्स को, R1 को ऐड करते हो R2 के साथ और R2 को R3, मींस के R1, R2, R3 को जब ऐड करते हो तो सेम इफेक्ट निकलता है R, E पे। तो आर ई इक्वल्स टू डैट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू आर थ्री, तो उस इक्वेशन में हमने रिप्लेस कर दिया अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, डैट इज़ वी इक्वल्स टू आई आर, आई आर ई हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास इसी इक्वेशन को दोबारा ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, वी की जगह हमने क्या पुट कर दिया है आई आर ई, मीन्स के ओम्स लॉ, वी इक्वल्स टू आई आर ई आ जाएगा इक्वल्स टू आई यहाँ पे एज इट इज़ है, ठीक है, बेसिकली आई आर को आगे जस्टिफाई कर रहे हैं, आई एज इट इज़ आएगा और आर ई की जगह हमने क्या रिप्लेस किया था आर वन आर टू आर थ्री। तो यहाँ पे आर ई जो इक्वल आ जाएगा वो आर वन रजिस्टर्स वन प्लस रजिस्टर टू प्लस रजिस्टर थ्री, तो तीनों रजिस्टर्स को कंबाइन इफेक्ट जो होगा वो इक्वल होगा इक्विवेलेंट रजिस्टर्स के। सो द इक्विवेलेंट रजिस्टर्स ऑफ द सीरीज कम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रजिस्टर्स ऑफ कम्बिनेशन, डेट इज़ आर ई इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो स्टूडेंट्स जितने भी रेजिस्टेंस, आप ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे दो या तीन रेजिस्टेंस लगा सकते हो, सो मैनी मोर, आप जितने 9, 10 जितने मर्जी आप चाहे लगा सकते हो रेजिस्टर्स सीरीज़ में, तो उसके लिए अप टू सो ऑन एन नंबर तक हम जाएंगे रेजिस्टेंस को लेके, आर ई इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री अप टू सो ऑन आर एन, मीन्स के एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आप यहाँ पे सीरीज में एडजस्ट कर सकते हो, और एन नंबर ऑफ मीन्स के आर वन से लेके आर एन तक जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उन सबको आप जब आप सम अप करते हो तो उसका जो कंबाइन इफेक्ट है वो इक्वल होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के। सो आर ई इक्वल्स टू आर वन आर टू आर थ्री अप टू सो ऑन आर एन तक। सो दिस इज ऑल अबाउट द सीरीज कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन में करंट और वोल्टेज जो है वो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे यहाँ पे। जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाता है, मीन्स के जो पोटेंशियल बैटरी अप्लाई करती है वो इस सीरीज में सब के सब रेजिस्टर्स पे, जितने भी रेजिस्टर्स आप अटैच करते हो सीरीज में उन सब पे डिवाइड हो जाता है वो पोटेंशियल, और उसका सम अप इक्वल हो जाता है जितना पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल वो बैटरी प्रोवाइड करती है उस सर्किट में। सिमिलरली करंट है, करंट हमारे पास डिवाइड नहीं होता रेजिस्टर्स में, वो जितने भी रेजिस्टर्स पे आप अटैच करते हो सीरीज में सब के सब रेजिस्टर्स में इक्वली डिवाइड होता है। तो हमारा जो करंट का केस है, करंट का पाथ जो इस सर्किट में है वो एक ही पाथ है, सेम पाथ होगा। जितना करंट, टोटल करंट जो है वो बैटरी सप्लाई करेगी उतना ही करंट R1 में भी जाएगा, R2 में भी जाएगा और रेजिस्टर 3 में भी जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट द पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। पैरेलल कम्बिनेशन में रेजिस्टर्स का एक एंड जो है वो बैटरी के साथ कनेक्ट होगा, लाइक अगर पॉजिटिव टर्मिनल आप कनेक्ट करते हैं, और दूसरा एंड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा। तो यहाँ पे हमने टोटल तीन रेजिस्टर्स लिए हैं, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है, तीन से ज़्यादा भी रेजिस्टर्स हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे उन तीन रेजिस्टर्स का हमने क्या किया कि उसको पैरेलल में अटैच कर लिया, और उसका एक एंड बैटरी के साथ पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर लिया, और रेजिस्टर्स का जो दूसरा एंड है वो हमने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दी बैटरी के साथ अटैच कर लिया। अब होगा क्या कि यहाँ पे वोल्टेज सेम होगा अक्रॉस ऑल ऑफ दीज थ्री रेजिस्टर्स, मीन्स के
जितना वोल्टेज बैटरी अप्लाई करेगी सेम उतना ही वोल्टेज अक्रॉस R1 भी होगा, अक्रॉस R2 भी होगा, अक्रॉस R3 भी होगा। तो वोल्टेज को कैसे चेक किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। आप R1 के अक्रॉस अगर वोल्ट मीटर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V=IR आप फार्मूला पुट करके आप अक्रॉस दी R1 आप उसका वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हो। सेम इस तरह वोल्ट मीटर आप रेजिस्टेंस 2 के अक्रॉस भी अटैच करके उसका वोल्टेज जो है वो चेक कर सकते हो। सेम इसी तरह R3 के अक्रॉस भी। तो यहाँ पे जितना भी वोल्टेज बैटरी सप्लाई करेगी वो सब रेजिस्टर्स में इक्वली जाएगा। पैरेलल कम्बिनेशन में हमारे पास जो वोल्टेज होगी वो सेम होगा जिस तरह से सीरीज कम्बिनेशन में करंट सेम था और वोल्टेज डिफरेंट थी। बट पैरेलल कम्बिनेशन उसका ऑपोजिट है क्योंकि यहाँ पे आप पैरेलल रेजिस्टर्स को अटैच कर रहे हो और पैरेलल क्या होगा कि जो वोल्टेज बैटरी सप्लाई करेगी वो इक्वली वोल्टेज जो है वो R1 के अक्रॉस होगी, R2 के अक्रॉस होगी एंड R3 के अक्रॉस होगी। तो हमारे पास जो करंट है पैरेलल कम्बिनेशन में, करंट जो है वो बट जाता है ब्रांच 1 में, ब्रांच 2 एंड ब्रांच 3 अलोंग R1, R2 एंड R3। अब करंट का रिवर्स से अज्यूम किया हमने सीरीज कम्बिनेशन में, तो सेम इसी तरह पैरेलल कम्बिनेशन में भी करंट को एज अ रिवर अज्यूम करें। कि जब हम रिवर अज्यूम करेंगे तो आप देखें कि रिवर के लिए लेट सपोज अगर 2 या 3 पाथ हैं फ्लो करने के लिए, तो उन तीनों पाथ्स में या 2 पाथ्स में वो कैसे डिवाइड होगा वो डिपेंड करेगा पाथ पे कि पाथ कितना चौड़ा है। ठीक है, जो सरफेस है जिस पे वो फ्लो करेगा वो कितना चौड़ा है, तो उसके लिए जितना ज़ाहिर है उसकी विड्थ बड़ी होगी उतना ही वो, जितना एरिया उसका बड़ा होगा उतना ही वो वाटर जो उसमें से फ्लो होगा। सिमिलरली पैरेलल कम्बिनेशन में भी करंट एज अ रिवर ही कंसिडर हम करेंगे कि अब डिपेंड करेगा कि जब करंट इस बैटरी में से डिवाइड होगा यहाँ पे R1 के अक्रॉस, R2 के अक्रॉस और R3 के अक्रॉस, तो डिपेंड करेगा कि रेजिस्टर्स कितना है। अगर रेजिस्टर ज़्यादा है तो करंट कम फ्लो होगा और अगर रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा। तो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे। सो पैरेलल सर्किट में जो टोटल करंट होगा डैट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द करंट डैट इज़ मूव अक्रॉस दी रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3। सो द टोटल करंट इन द पैरेलल सर्किट इज इक्वल टू द इंडिविजुअल करंट डैट इज़ डिवाइडेड अक्रॉस R1, R2 एंड R3। सो वी गेट I=I1+I2+I3। स्टूडेंट्स, हमें करंट के वैल्यू निकालने के लिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V=IR होता है, और अगर यहाँ से I फाइंड करना हो तो V/R हो जाएगा। सो अगर I=V/R है तो I1 क्या होगा कि I=V/R1 है, यहाँ पे वोल्टेज सेम है पैरेलल कम्बिनेशन में। सिमिलरली I2=V/R2 एंड I3=V/R3। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम करंट की वैल्यूज निकाल सकते हैं V/R। तो जब हम करंट की वैल्यूज़ I1, I2, I3 की वैल्यूज़ इस 14.9 इक्वेशन में पुट करेंगे, सो वी गेट I=V/R1+V/R2+V/R3। अब यहाँ पे वोल्टेज सेम है अक्रॉस ऑल दी रेजिस्टर्स, तो V यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। वी हैव I=V ब्रैकेट में आ जाएगा 1/R1+1/R2+1/R3। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनको हम टोटल रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट कर लेंगे, मींस के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के। तो सो टोटल रेजिस्टेंस इज आल्सो नोन एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डैट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस अक्रॉस R1, R2 एंड R3। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा I को हम रिप्लेस कर देंगे अकॉर्डिंग टू ओम लॉ V/RE। सो इक्वेशन 14.10 बन जाएगी V/RE=V(1/R1)/1/R2+1/R3। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1/R1, 1/R2, 1/R3 इक्वल टू हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के, डैट इज़ R of E। सो सिमिलरली जिस तरह सीरीज में हम
एन नंबर्स तक रेजिस्टेंस एडजस्ट कर सकते थे, इसी तरह अब यहाँ पे पैरेलल कम्बिनेशन में भी हम एन नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस को अटैच कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस बनेंगे 1/RE=1/R1+1/R2+1/R3 एन नंबर तक रेजिस्टेंस रहेंगे। स्टूडेंट्स, रेजिस्टर्स को सर्किट में पैरेलल अटैच करने के दो बड़े एडवांटेज हैं। नंबर वन ये कि जो भी आप सर्किट में कोई भी डिवाइस लगाते हो उसको फुल वोल्टेज मिलेगी, जितनी वोल्टेज बैटरी सप्लाई करेगी उतनी ही वोल्टेज आपको उस डिवाइस में मिलेगी, क्योंकि पैरेलल कम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड नहीं होती अक्रॉस ऑल ऑफ दीज रेजिस्टेंस जितने भी आप उसमें अटैच करते हो, ठीक है। और दूसरा जो मेन जो एडवांटेज है इसका पैरेलल में कंबाइन करने का रेजिस्टर्स को, वो ये है कि जब आपकी लेट सपोज अगर कोई एक डिवाइस है वो टर्न ऑफ हो जाती है तो उसके साथ बाकी डिवाइसेस टर्न ऑफ नहीं होती। मींस कि अगर आप एक डिवाइस का कोई प्रॉब्लम हो गया, फ्यूज्ड हो गया या कोई इशू हो गया टेक्निकल, तो उसका इफ़ेक्ट दूसरे किसी और सर्किट पे या किसी और डिवाइस पे नहीं जाएगा, क्योंकि वो पैरेलल अटैच किए हैं। और पैरेलली का मेन बेनिफिट ही ये है कि अगर एक सर्किट शॉक्ड होता है या एक सर्किट में कोई प्रॉब्लम होता है तो दूसरा उसको इफ़ेक्ट नहीं करता। इसीलिए हाउस वायरिंग में रेजिस्टर्स को पैरेलल अटैच किया जाता है एज़ कम्पेयर टू सीरीज। अगर सीरीज़ में रेजिस्टर्स को अटैच करेंगे हाउस वायरिंग में तो होगा क्या कि अगर एक सर्किट ब्रेक होगा या एक हमारा जो वो फ्यूज्ड होगा सर्किट, तो ऑटोमेटिकली उसके साथ बाकी भी इफ़ेक्ट होंगे और फिर कोई भी डिवाइस जो हम यूज़ करना चाहें तो उसके लिए वो अप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि अगर एक सर्किट इफ़ेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली सब पे जो है वो उसका इफ़ेक्ट जाएगा और सब के सब जो वो फ्यूज्ड भी हो सकते हैं। सो इस वजह से हाउस वायरिंग में जो है वो पैरेलल कम्बिनेशन किया जाता है रेजिस्टर्स का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पैरेलल एंड द सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स।